नमस्कार, आप लोग का देवदानी ब्लॉग्स की रेसिपी वीडियो में आज हम आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ आए हैं। आज हम आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए टिफिन बॉक्स में देने के लिए झटपट से बनकर तैयार होने वाली पोहे की रेसिपी के साथ आए हैं। तो आज हम आपको पोहे की रेसिपी दिखाएंगे। इस पोहे की रेसिपी के लिए हम एक बार इंग्रेडिएंट चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर लिया है पोहा, और यहाँ हमने लिए हैं मूंगफली के दाने, यहाँ हमने लिए हैं हल्दी पाउडर, यहाँ हमने ब्लैक मस्टर्ड सीड लिए हैं, यहाँ हमने करी लीव्स लिए हैं जिसे हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, यहाँ हमने हींग लिया है आधी छोटी चम्मच, यहाँ हमने एक छोटी चम्मच चीनी लिया है और स्वाद अनुसार नमक, यहाँ हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो बच्चों के लिए काफी हेल्दी होते हैं, यहाँ हमने कुछ काजू लिए हैं और यहाँ हमने कुछ आलमंड्स लिए हैं, यहाँ हमने कुछ किशमिश के दाने लिए हैं और यहाँ हमने सूखे नारियल को क्रश करके लिया है। आप इसमें फ्रेश नारियल को भी क्रश करके डाल सकते हैं इसकी जगह पे। तो आइए हम देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम पोहे को फ्रेश कर लेंगे, अच्छे से धो लेंगे इसे पानी के साथ। इसे हम अच्छे से 2-3 बार पानी डालकर धो लेंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे। यहाँ हमने पोहे को अच्छे से धो लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी और थोड़ी सी नमक और इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। पोहे को तैयार करने के लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई को हमने गैस पर गर्म होने के लिए रखा है। अब हम इसमें यहाँ ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच सरसों के तेल। तेल हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे सरसों के दाने, इसे चटकने देंगे। सरसों हमारे चटक गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने को हम बिल्कुल ही लो फ्लेम में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इसमें साथ में ही हम ऐड कर देंगे काजू के टुकड़े को, वो भी हल्की सी फ्राई हो जाएगी। और यहाँ पर हम आलमंड को भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में। इसे बिल्कुल लो फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लें। इसे फ्राई करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। आप हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इसे स्किप ना करें। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पेज में देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। यहाँ पर हमारी मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे किशमिश के दाने और इसे भी हम साथ में ही फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे हींग, इसे भी हम साथ में फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने जो हल्दी पाउडर लिया था वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पर हम करी लीव्स भी ऐड करेंगे। पोहे बहुत ही हेल्दी होते हैं, इसे आप बनाएं, बच्चों के टिफिन में दें, झटपट से बन जाती है। सुबह सुबह की जल्दीबाजी में ये बिल्कुल ही हेल्दी नाश्ता बच्चों के लिए बनकर बस 10 मिनट में तैयार हो जाता है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे पोहे जो हमने 10 मिनट के लिए रखे थे। हमारे पोहे भी तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें पोहे को ऐड कर देंगे। यहाँ हम सारे पोहे को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हम क्रश के नारियल को ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। ये हमारे पोहे बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप इसे तीखा बनाना चाहते हैं तो हरी मिर्च ऐड करें, गोलकी पाउडर भी यूज कर सकते हैं आप इस स्टेज पे हल्की तीखी स्पाइसी बनाने के लिए। और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप भी कर दें। हमने यहाँ बच्चों के लिए तैयार किया है तो ये हमने हरी मिर्च को स्किप कर दिया है। ये हमारे पोहे, खिले खिले पोहे बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं टिफिन बॉक्स के लिए। इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। पोहे बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए।
इसे हम गार्निश करेंगे नमकीन सेव के साथ। इस तरह से ये बिल्कुल सर्व के लिए तैयार है। हमारे पोहे की रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।